दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP Real Tips में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमारी Instagram ID हैक हो जाए तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन हमारी Instagram ID को यूज कर रहा है, या फिर हमारा कोई रिलेटेड या फिर कोई फ्रेंड हमारी Instagram ID को यूज कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी Instagram ID हैक है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप प्रॉपर तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी Instagram ID कौन कौन पर्सन यूज कर रहा है, और आपका इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर कोई अदर पर्सन आपकी Instagram ID को यूज कर रहा है तो आप उससे कैसे उसकी ID को लॉग आउट कर सकते हैं, यानी हम अपनी ID को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, और उसके बाद हम जैसे ही अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको जो राइट साइड के सबसे नीचे कॉर्नर में आपकी जो प्रोफाइल दिख रहा है, आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर 3 लाइन दिखेगा, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। और जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग तो बहुत सी दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ पर फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेटा अकाउंट सेंटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उसके बाद नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वे आर यू लॉग इन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी जो करंट इंस्टाग्राम ID लॉग इन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो फिलहाल ये हमारे मोबाइल में लॉग इन है, और यहाँ पर हमारे मोबाइल जिस कंपनी का है, जो मॉडल है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए अब हम इसी पे ही क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हमारा जो करंट में अपनी इंस्टाग्राम आईडी ओपन है तो वो ये इसकी लोकेशन भी दिखा रहा है, और किस मोबाइल में लॉगिन है वो यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से चेक यानी दिख शो कर रहा है। अगर आप फुल डिटेल में इसे चेक करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से उसके लोकेशन और किस मोबाइल में लॉगिन है वो यहाँ पर सभी शो हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो जो फर्स्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है वे आर यू करंटली लॉगिन दिस डिवाइस, तो ये तो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी लॉगिन है। अगर इसके अलावा कोई अदर पर्सन हमारी इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन किए हुए हैं तो वो कहाँ से होगी। तो अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई अदर पर्सन हमारी इंस्टाग्राम आईडी को यूज़ कर रहा है, तो ये जो सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है लॉग इन अदर डिवाइस, तो यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगी। तो फिलहाल हमारी इंस्टाग्राम आईडी को कोई पर्सन यूज नहीं कर रहा, ये सभी इंस्टाग्राम आईडी जो आपको लॉग इन टू अदर डिवाइस में शो हो रही है, ये सभी हमारे ही मोबाइल से लॉग इन की हुई है। अगर आपके केस में यहाँ पर आपको दिस डिवाइस जैसे यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है ऐसा कुछ शो हो, अगर आपके मोबाइल के अलावा कोई अदर मोबाइल यहाँ पर डिवाइस शो हो रही है, तो आप समझ जाइए कि हमारी इंस्टाग्राम आईडी को कोई अदर पर्सन भी यूज़ कर रहा है। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई अदर पर्सन आपकी आईडी को यूज़ कर रहा है तो उसे लॉग आउट कैसे करेंगे। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रेड कलर में सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट, तो यहाँ पर आपको जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो 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 ऑप्शन यानी जिस जो जो पर्सन आपके इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन किए हुए हैं आपको यहाँ से सीधा उसे ब्लू टिक कर देना है, और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो लॉग आउट का ऑप्शन मिल रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना है, यानी जो पर्सन आपके इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन किए हुए थे यूज़ कर रहे थे उनके मोबाइल से वो इंस्टाग्राम आईडी लॉग आउट हो जाएगी। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको दोबारा से अपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे ही आना है, और उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी का चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर लिए। जैसे कि यहाँ पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है, दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो आपका करंट है न्यू पासवर्ड है, और दोबारा से न्यू रिटाइप करके यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। और सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है चेंज पासवर्ड के जस्ट नीचे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का,
आपको ये भी ऑन करता रहना है, आपको ये भी ऑन कर लेना है। आप जैसे इसे ऑन करेंगे उसके बाद यहाँ पर कोई भी पर्सन आपके इंस्टाग्राम आईडी के साथ कोई भी एक्टिविटी करेगा तो आपको यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन या फिर मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। तो आपको ये दो काम जरूर कर लेने हैं अगर आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी हैक होने से बचाना चाहते हैं तो। चेंज पासवर्ड कर लेना है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद आपकी इंस्टाग्राम आईडी बिल्कुल सेफ हो जाएगी, कोई पर्सन आपकी इंस्टाग्राम आईडी को हैक नहीं कर पाएगा। और जो अभी तक आपके इंस्टाग्राम आईडी को यूज़ कर रहे थे उनके मोबाइल से भी इंस्टाग्राम आईडी बिल्कुल लॉग आउट हो चुकी होगी। तो आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और फिर भी अगर मन में आपके कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।